हेलो फ्रेंड्स, अब मैं मौजूद हूँ जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, और अब मेरी डेस्टिनेशन शुरू होती है थाईलैंड बैंकॉक के लिए। सो अब हम घूमेंगे थाईलैंड, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, और आई होप यू गाइस एंजॉय। बड़ी मुश्किलों से हम इमिग्रेशन से निकले हैं, काफ़ी रश था, और अब हम लाउंज में बैठे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करें कब गेट खुले और हम फिर थाई एयर में। सी यू सून इन थाईलैंड। तो दोस्तों, ये थाई एयरवेज बड़ी ज़बरदस्त एयरलाइन है, एज ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, तो लोकल एयरलाइन से तो बहुत ही बेहतर है। चलें देखते हैं इसका सफ़र कैसे गुजरता है अब हमारा। आप ये है रामखेम रोड, जहाँ पे हम ठहरे हैं गेस्ट हाउस के अंदर आज के दिन के लिए, और इस स्ट्रीट पे आपको मैं दिखाता हूँ कि काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये खाने का स्टॉल एक है, और ये चिकन के पीसेज हैं, कुछ चिकन को ये बनाते हैं अपने ही थाई वे में, और ये कुछ फिशेज हैं, ये कुछ फिशेज वगैरह हैं। हम काफ़ी रौनक है इस जगह पे। यानी कि अगर हम कह लें कि कराची का तारिक रोड जैसा है, चलता फिरता इलाका, और मेरे राइट साइड पे है मेडिकल स्टोर। ये मेडिकल स्टोर है यहाँ पे, ये कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान वगैरह, और ये है फ्रूट्स वगैरह बन रहा है यहाँ पे, फ्रूट्स है। काफ़ी कम प्राइस के अंदर है, और 20 baht, 15 baht, 25 baht, ये डिफरेंट तरह के यहाँ पे खाने मौजूद हैं, स्टॉल्स हैं हर तरह के फ्रूट्स के। ये यहाँ की इमलियाँ, आप देख सकते हैं कितना चलता फिरता इलाका है। ये इस टाइम यहाँ के बज रहे हैं 11, काफ़ी शॉप्स यहाँ पे बंद हो चुकी है, कुछ खुली हैं। ये फुटपाथ पे साइड पे छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं, जीन्स, यूज शूज़, 100 baht, बाकी जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ। दोस्तों, ये है खाना हमने लिया है, ये है चिकन, और दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, इसको खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। और ये कुछ सैलड वगैरह इन्होंने दी है, ये इनकी चटनी है, और ये फ्रूट सैलड है, ये है कौन सी, ये मैंगो सैलड है, और ये है, ये सैलड तो नहीं कहेंगे, फ्रूट ही है सिंपल, और ये है पाइनएप्पल, और इसके साथ इन्होंने कोई अपने मसाले दिए हैं। ये देखते हैं कैसे टेस्ट करता है, अब हम खाना खाने लगे हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है थाई खाने का। हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ इस वक्त 7-Eleven के अंदर। ये 7-Eleven यहाँ पे थाईलैंड में हर जगह पे आपको मिलेगा, हर शॉप पे मिलेगा। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कम प्राइस पे मिल सकती हैं, यानी कि आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। अभी ये देखें, मैंने हल्का फुल्का खाने के लिए स्नैक्स लिया है, और अभी हम कॉफ़ी लेने लगे हैं। कॉफ़ी में क्या, कैपेचिनो, तो मैं आपको बाहर से भी दिखाऊँगा कि 7-Eleven का लोगो कैसे दिखता है, और ये कि आपको कुछ भी चाहिए हो आप 7-Eleven आ सकते हैं, जगह जगह पे ये अवेलेबल। हाँ, इस वक्त मैं, ये है 7-Eleven, और 7-Eleven के मैं बाहर खड़ा हूँ, जिसका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप इजीली ले सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे 7-Eleven, ये कॉफ़ी 25 baht में आप एक अच्छी
कैपेचिनो ले सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही कम प्राइस पे आप कुछ भी ले सकते हैं खाने पीने के लिए।